नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 8 नवंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आज से नहाय खाय के साथ शुरू होगा छठ का महापर्व। पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा आज। कोविड-19 के खिलाफ अब होगा सबसे बड़ा अभियान। 2 दिवसीय बिहार दौरे के बाद दिल्ली रवाना हुए उपराष्ट्रपति। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुआ भारत। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। आज से नहाय खाय के साथ शुरू होगा छठ का महापर्व। छठ महापर्व आस्था और उपासना का बहुत बड़ा पर्व माना जाता है और बिहारियों के लिए यह पर्व दो भावनाओं से जुड़ा हुआ है, जिसकी शुरुआत आज से नहाय खाय के साथ होने वाली है, जो कि 10 तारीख को शाम के अर्घ्य और 11 तारीख को सुबह के अर्घ्य के साथ खत्म होगी। छठ पर्व के दौरान लगभग 36 घंटे का व्रत छठ व्रतियां रखती हैं और इस महापर्व के दौरान छठी मैया और डूबते हुए सूरज और उगते हुए सूरज की पूजा की जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की छठी तारीख को यह मनाए जाने वाला महापर्व पूर्वी बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। एम्स पटना में फैकल्टी के 158 पदों पर निकली भर्ती। एम्स पटना में फैकल्टी के 158 पदों पर योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, जिसके तहत अगर आप भी योग्य हैं और इन पदों के लिए आवेदन भरना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट aimspatna.org पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। एम्स पटना के फैकल्टी पदों के लिए आवेदन एम्प्लॉयमेंट पेपर में इन पदों के लिए विज्ञापन प्रकाशित होने के 21 दिन बाद तक ही किया जा सकता है। इसके हिसाब से फैकल्टी पदों के लिए अप्लाई करने की अंतिम तारीख 27 नवंबर 2021 है। आवेदन करने और इन वैकेंसी के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करने के लिए एम्स पटना की आधिकारिक वेबसाइट पर दिए गए डिटेल्स का नोटिफिकेशन भी आप चेक कर सकते हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किसानों को कहा धन्यवाद। बिहार दौरे पर आए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने बीते दिन पूर्वी चंपारण में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में किसानों का जिक्र किया, जिसके तहत उन्होंने कहा कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने देश को हर काल और परिस्थिति में संभाला है। कोविड-19 में भी यह साबित हुआ है और तमाम आर्थिक गतिविधियां ठप थी, तब कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने लोगों को मजबूती दी है। हेल्थ वर्कर और किसानों के हाथ नहीं थमे। जब लोग शहर छोड़कर गाँव की तरफ पलायन कर रहे थे तो गाँव में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था ने मदद की। वो इस दौरान उपराष्ट्रपति ने 100 करोड़ की योजनाओं का भी शुभारंभ किया है। इसके पहले यहां पहुंचने पर केंद्रीय विश्वविद्यालय के अधिकारियों की तरफ से उनका भव्य स्वागत किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किया। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे रामशरण शर्मा की। रामशरण शर्मा को आमतौर पर आर.एस. शर्मा के नाम से जाना जाता है। वो एक इतिहासकार और प्राचीन और प्रारंभिक मध्यकालीन भारत के शिक्षाविद थे, जिन्होंने मार्क्सवादी पद्धति की वकालत की थी। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाया और टोरेंटो विश्वविद्यालय में बीजिंग फैकल्टी थे। वो स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज लंदन विश्वविद्यालय में एक वरिष्ठ साथी भी थे। वो 1975 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के राष्ट्रीय फेलो और भारतीय इतिहास कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। यह दिल्ली विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के डीन के रूप में भी उनके कार्यकाल के दौरान था। पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन होगा आज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। छठे चरण के सफलतापूर्वक मतगणना के बाद 7वें चरण का मतदान 15 नवंबर को होना है। इसी बीच 10वें चरण को लेकर बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आई है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव के 10वें चरण के लिए चुनाव चिन्ह का आवंटन आज होने वाला है, जिसके बाद मतदान 8 दिसंबर को होंगे। उम्मीदवारों को यहां छठ के नहाय खाय यानी 8 नवंबर को चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाएगा। 10वें चरण में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच के 10,981 पदों पर मतदान होने हैं। ग्राम पंचायत मुखिया और सरपंच के 817 पद पर चुनाव होने हैं। जिला परिषद 118 और पंचायत समिति के 1,106 पद शामिल हैं। छठ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। छठ महापर्व की शुरुआत आज से होने वाली है। हालांकि इस दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस पहले से ही अलर्ट मोड में काम कर रही है। सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रहे इसके लिए राज्य के 22 जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। खासकर घाटों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। जिला पुलिस के सहयोग के लिए 12 नवंबर तक अतिरिक्त बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। उसमें सशस्त्र बल के साथ लाठीपाटी और होमगार्ड के जवान भी शामिल है। इस बाबत पुलिस मुख्यालय जरूरत के अनुसार दंगा निरोधक कंपनियों की तैनाती का आदेश दिया गया है। इसको लेकर रेंज आईजी और डीआईजी को दिशा निर्देश भी दे दिया गया है। वहीं अपने क्षेत्र में जागरूक और जरूरत के मुताबिक उपलब्ध दंगा निरोधक कंपनी को प्रतिनियुक्त करेंगे।
मुंगेर जिले के सूर्य मंदिर में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। सूर्य मंदिर अनुमंडल मुख्यालय के लगभग 2 किलोमीटर दूर खड़गपुर बरियारपुर मुख्य मार्ग के पास स्थित है। जानकारों की माने तो यह लोक आस्था और उपासना का महत्वपूर्ण केंद्र है। छठ पर्व को लेकर उदयमान सूर्य को अर्घ्य देने के बाद छठ व्रती और श्रद्धालु इस मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। पूजा अर्चना को लेकर काफी भीड़ भी देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहती है। इस मंदिर की स्थापना सन 1951 में नालंदा जिले के जगतपुर गांव निवासी पंडित देवदत्त शास्त्री शर्मा ने की थी। यहां पूजा करने वाले भगवान भास्कर श्रद्धालुओं की सभी मनोकामना को पूरा करते हैं। मंदिर के पुजारी पंडित पुरुषोत्तम शास्त्री ने बताया है, दादाजी पंडित देवदत्त शर्मा खड़गपुर आए थे। परिवार के कुल देवता भगवान सूर्य है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तारीख को सूर्य और सप्तमी तारीख को उदयमान सूर्य उपासना का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है और इस मंदिर में भी खास चहल पहल देखने को मिलती है। भगवान श्री राम से जुड़े स्थलों का दर्शन कराएगी यह ट्रेन। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, भारतीय रेल में भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े प्रमुख धार्मिक स्थलों को जोड़ते हुए बनाई गई रामायण सर्किट के दर्शन के लिए रामायण सर्किट ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। रेलवे के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत बीते दिन से दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से पहली ट्रेन रवाना हुई, जो कि 17 दिनों की यात्रा के दौरान श्री राम जन्मभूमि अयोध्या और माता सीता के जन्मभूमि सीतामढ़ी सहित कई प्रमुख स्थलों पर जाने वाली है। IRCTC आगे ऐसी 4 और ट्रेनों का परिचालन करने वाली है, जिसके लिए बुकिंग जारी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, सबसे पहले ही यह ट्रेन दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से चलकर श्रीराम जन्मस्थान अयोध्या में रुकेगी। उसके बाद ट्रेन अयोध्या से रवाना होकर माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी पहुंचेगी और नेपाल के जनकपुर स्थित राम मंदिर जानकी मंदिर के दर्शन किए जा सकेंगे। ट्रेन का तीसरा स्टॉपेज काशी होगा। COVID-19 के 5 से कम मामले, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2 मामलों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 33 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो बेगूसराय में 1 और शेखपुरा में 1 मामले की पुष्टि हुई है। इसके अलावा किसी भी जिले में 1 भी मरीज की पुष्टि नहीं हुई है। इसके साथ ही बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 2,20,946 सैंपल की जांच की गई, वहीं 12 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। सरकार जल्द जारी करेगी टोल फ्री नंबर। बिहार में दोनों COVID-19 के रोकथाम को लेकर के टीकाकरण जोर शोर से किया जा रहा है। विशेष अभियान चलाकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीका लगाया जा सके। इसी बीच बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने 38 जिलों के लिए टोल फ्री नंबर जारी करने का फैसला सुनाया है, जिसके तहत फोन करके कोई भी अपने घर का पता बताकर टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक करवा सकता है, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम घर जाकर टीका देने का काम करेगी। क्योंकि विशेष अभियान चलाकर घर घर जाकर टीकाकरण अभियान को बिहार सरकार चला रही है, ऐसे में लोगों तक आसानी से पहुंचने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने नंबर जारी कर दिया है। बिहार में पछुआ हवा ने बढ़ाई ठंड। बिहार में बीते 2 सप्ताह से मौसम का मिजाज शुष्क नजर आ रहा है। प्रदेश में पश्चिम और उत्तर पश्चिमी हवा के निरंतर प्रवाह से तापमान में भी बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो प्रदेश में आने वाले 2 से 3 दिनों में मौसम सामान्य रहने के साथ ही न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार है। कुछ जगह पर अगले 2 से 3 दिनों तक उच्च स्तर के बादल छाए रहेंगे। मैदानी इलाके में सुबह में कुहासा छाया रहेगा। मौसम विभाग की माने तो बीते 24 घंटे के दौरान राज्य के पटना, गया, औरंगाबाद और भागलपुर में न्यूनतम तापमान में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि आने वाले कुछ दिनों तक पटना और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय कुछ स्थानों पर हल्की कोहरे छाए रहने के पूर्वानुमान है और धूप निकलने के बाद आकाश में पूर्ण रूप से साफ रहने की बात भी कही गई है। COVID-19 के खिलाफ होगा सबसे बड़ा अभियान। बिहार में COVID-19 के खिलाफ टीकाकरण का विशेष अभियान शुरू हो गया है। इस अभियान के तहत बचे हुए लोगों को टीका लगाकर पंचायतों में 8,246 मोटरसाइकिल टीम को लगाया गया है। इस अभियान के लिए 604 पहिया मोबाइल टीकाकरण वाहनों को भी लगाया गया है। इस बाबत बिहार सरकार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने सभी जिलों के DM और सिविल सर्जनों को दिशा निर्देश दिया है कि रविवार को होने वाले COVID-19 टीकाकरण विशेष अभियान के तहत कम टीकाकरण वाले पंचायतों में लोगों को टीकाकरण करवाए और इसके लिए स्थानीय स्तर पर माइक्रो स्तर पर योजना बनाकर टीकाकरण कार्य करने का निर्देश दिया गया है। मुख्य सचिव ने राज्य के सभी जिलों के DM, सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको लेकर बैठक की और विशेष अभियान को लेकर की गई तैयारियों की सराहना की है। गंगा घाटों पर रहेगा जबरदस्त इंतजाम। आज से छठ महापर्व की शुरुआत हो गई है, वहीं गंगा घाट पर भी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। पटना में गंगा तट पर छठ व्रतियों की सुरक्षा को लेकर NDRF और SDRF की 12 टीमों को तैनात कर दिया गया है। इतना ही नहीं, 70 स्पीड बोट भी तैनात किए गए हैं। 4 जगह पर वाटर एम्बुलेंस और 285 नाव को बचाव राहत कार्य में लगाया गया है। जिला प्रशासन की तरफ से 593 गोताखोरों को विशिष्ट पोशाक में तैनात किया गया है। इसके साथ ही प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल छठ महापर्व को लेकर सभी प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी सहित विभिन्न विभागों के कर्मियों को उनकी जिम्मेदारी बता चुके हैं। इस दौरान जिलाधिकारी डॉ. चंद्रशेखर सिंह, SSP उपेंद्र शर्मा, नगर आयुक्त हिमांशु शर्मा और ट्रैफिक SP भी मौजूद थे।
फिर से नालंदा विश्वविद्यालय में आएंगे छात्र। बीते दिन नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर में आयोजित 3 दिवसीय छठे अंतर्राष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संबोधित किया। इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 3 दिनों तक चलने वाले इस धर्म धम्म ट्यूशन इन दी बिल्डिंग पोस्ट कोविड वर्ल्ड ऑर्डर में विभिन्न देशों को से शामिल लोग अपनी अपनी बात रखेंगे। इस सम्मेलन में बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा होगी, जिसका फायदा भारत के साथ साथ पूरी दुनिया को भी मिलेगा। इसके साथ ही सीएम नीतीश ने कहा कि कोविड-19 एक विचित्र तरह की बीमारी है, जिसकी चपेट में पूरी दुनिया थी। आज तक ऐसी बीमारी नहीं हुई है। इस प्रकार की बीमारी के बारे में ना बुजुर्गों से कभी सुनने को मिला, ना ही इतिहास में पढ़ने को मिला। 2 फेज खत्म हो गया है, लेकिन तीसरे का डर अभी जारी है। वहीं विश्वविद्यालय को लेकर उन्होंने कहा कि यह विश्वविद्यालय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा और उन्हें दुनिया भर के लोग यहाँ पढ़ेंगे। अब घर बैठे ऑनलाइन कर सकेंगे पासपोर्ट रिन्यू। अगर आप भी घर बैठे बैठे अपने पासपोर्ट को रिन्यू करना चाहते हैं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप घर बैठे बैठे ये काम आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट के ऑनलाइन पोर्टल पर लॉगिन करना होगा और अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट रिन्यू ऑफ पासपोर्ट नवीन को क्लिक करना होगा। उसके बाद ऑटोमेटिक ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। अगर आप चाहें तो एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके भर सकते हैं और बाद में वापस भरकर वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पर क्लिक करना होगा। ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जरूरी जानकारी भरकर सबमिट करना होगा, जिसके बाद आपको घर के नजदीकी सेवा केंद्र की लिस्ट अपनी स्क्रीन पर आपकी आ जाएगी और पासपोर्ट ऑफिस जाते समय प्रिंट की रिसीप्ट आपको ले जानी जरूरी है। बिहार दौरे के बाद दिल्ली रवाना हुए उपराष्ट्रपति। बिहार आए उपराष्ट्रपति ने बीते दिन विभिन्न जिलों का दौरा किया, जिसके बाद वो आखिरकार शाम ढलने के साथ ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस दौरान पटना हवाई अड्डे पर राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें बधाई दी और उनके सुखद यात्रा की कामना की। बताते चले कि 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए, जहां उन्होंने छात्र छात्रों को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। वहीं उन्होंने राजगीर में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में धर्मधम्म सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भी वो हिस्सा बने। छठ को लेकर बिहार आने वाले दिल्ली मुंबई ट्रेनें हुई हाउसफुल। छठ महापर्व पर घर लौटने वालों की ट्रेनों में भीड़ बढ़ती जा रही है। यात्रियों की भीड़ का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि त्यौहार स्पेशल ट्रेन मुंबई सेंट्रल, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल भागलपुर और आनंद विहार टर्मिनल मालदा फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन तक की सीटें फुल हैं। दिल्ली मुंबई सहित अन्य जगह से आने वाली ट्रेनों में भी वेटिंग लिस्ट काफी लंबी है। भीड़ को देख RPF सिक्योरिटी कमांडेंट ने अलर्ट कर दिया है, साथ ही डॉग स्क्वाड को भी जांच में लगा दिया गया है और इसके साथ ही लगातार माइकिंग कर यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। आलम कुछ यूं है कि त्योहार स्पेशल ट्रेन में भी यात्रियों को जगह नहीं मिल रही है, जिसके कारण ही यात्री काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। मिथिला से उड़ान सेवा के शुरुआत होने के 1 साल हुए पूरे। दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा शुरू होने के 1 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर जल संसाधन और सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा ने कहा कि आज का दिन हम मिथिला वासियों के लिए एक बड़ी खुशी और गर्व का दिन है। आज से ठीक 1 साल पहले 8 नवंबर 2020 को मिथिला के केंद्र में स्थित दरभंगा एयरपोर्ट से उड़ान सेवा की शुरुआत हुई। पिछले 1 साल में दरभंगा एयरपोर्ट ने कामयाबी के कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जब आप कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं और वो सपना धरातल पर उतर कर कामयाबी के साथ आगे बढ़ता है, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं हो सकती है। दरभंगा एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक एयरपोर्ट बनेगा। यहां सुविधाओं में वृद्धि होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्तर से लगातार जरूरी पहल करते रहे। मुख्यमंत्री आवास पर एक अन्य मार्ग में छठ महापर्व की शुरू हुई तैयारी। मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग पर इस साल छठ महापर्व का आयोजन होने वाला है। मुख्यमंत्री की भाभी छठ करने वाली है, उसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मुख्यमंत्री आवास में बनाए गए पोखरा में ही शाम और सुबह का अर्घ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री छठ पर्व की तैयारी में खुद दिलचस्पी लेते हैं और इसमें शामिल भी होते हैं। वहीं खरना के प्रसाद के लिए पार्टी नेताओं के साथ सहयोगी दल के नेताओं को भी आमंत्रित करते हैं और उन्हें प्रसाद खिलाते हैं। इस बार भी प्रसाद के लिए आमंत्रण देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री के नजदीक और विधान पार्षद संजय गांधी का कहना है कि मुख्यमंत्री की भाभी छठ कर रही हैं। मुख्यमंत्री पार्टी नेताओं और अपने नजदीकियों को आमंत्रण भेज रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राबड़ी आवास में छठ के मौके पर शांति रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। शराबबंदी को सफल बनाने के लिए वीआईपी ने शुरू की मुहिम। बिहार में शराबबंदी को सफल बनाने के लिए वीआईपी ने खास मुहिम शुरू कर दी है। इसको लेकर विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देव ज्योति ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अप्रैल 2016 को बिहार की जनता के हित में राज्य में पूर्ण शराबबंदी करने का ऐतिहासिक निर्णय किया था, जिसके तहत बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू है। शराबबंदी कानून को और भी प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी की अध्यक्षता में एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बिहार के हर जिले में आए कार्यकर्ता और पार्टी
पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। मुकेश सैनी ने सभी जिलाध्यक्षों को आदेश दिया कि हर जिले के सभी पंचायतों में एक स्पेशल टीम बनाई जाए जिसका नाम वीआईपी दस्ता रखा जाएगा, जो कि अवैध रूप से शराब के धंधे से जुड़े लोगों के बारे में जानकारी देगी। इसको लेकर पटना में विशेष टास्क फोर्स बनाया गया है जिनका काम गुप्त रूप से शराब के धंधों से जुड़े लोगों को सलाखों के पीछे पहुंचाना है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछे 15 सवाल। बिहार में जहरीली शराब का मुद्दा इन दिनों तुल पकड़े हुए है। एक कारण है कि विपक्ष लगातार सरकार से सवाल कर रहा है। इसी कड़ी में बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सीएम नीतीश का घेराव किया है, जिसके तहत उन्होंने 15 सवाल कुल मिलाकर अपने फेसबुक पोस्ट पे शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि थाना और प्रशासन की निगरानी में ही राज्य के हर चौक चौराहे पर शराब बेची जा रही है। शराब तस्करों को दी जाने वाली छूट के बदौलत ही जदयू राज्य की सबसे धनी पार्टी बन गई है। इसके साथ ही उन्होंने भाजपा और जदयू पर राज्य में अवैध शराब के कारोबार की 20,000 करोड़ की समानांतर व्यवस्था खड़ी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में शराबबंदी लागू करने की नियत में ही खोट है। इसके साथ ही तेजस्वी ने आरोप लगाया कि चंद चुनिंदा अधिकारी मुख्यमंत्री को हर मसले पर गुमराह करते रहते हैं। राज्य में आए दिन शराब की बड़ी खेप के साथ गाड़ियां जब्त की जाती रही है और बाद में इन गाड़ियों को फिर से तस्करों के पास भेज दिया गया है। सरकार की लापरवाही किसी से नहीं छुपी है। राज परिवार में अक्सर सिंहासन के लिए टकराव होता है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों के बीच लंबे समय से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, जो कि किसी से भी आज के समय में नहीं छिपी है। यही कारण है कि राजद परिवार पर सत्ता पक्ष के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने लालू परिवार पर तंज कसा है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल राज परिवार है। राज परिवार में शुरू से ही परंपरा है कि शासन के लिए भाइयों में टकराव होता है। किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय जनता दल भी एक राजा परिवार है और ये राज परिवार का है, क्योंकि तेज प्रताप यादव कई बार अपने बयानों से यह साफ कर चुके हैं कि दोनों भाइयों के बीच में लड़ाई जारी है। चुनाव में दोनों सीट पर यानी कि कुशेश्वर स्थान और तारापुर में पार्टी की हार के बाद तेज प्रताप ने साफ कह दिया था कि तेजस्वी अगर नहीं समझे तो वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जिसके बाद से ही बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। सिख धर्म गुरु हर रॉय का निधन 1661 में हुआ था। राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने 1999 में एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। भारत ने 2005 में फिलिस्तीनी संगठनों को आतंकवादी कार्रवाई और इसराइल के दमन की आलोचना की। भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान 1 2008 में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। भारत सरकार ने 2016 में बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोट का अवैध घोषित किया गया था। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी का जन्म 1929 को आज के दिन हुआ था। दक्षिण भारतीय सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक बोमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी का निधन 1977 में आज के दिन हुआ था। सेमीफाइनल की रेस से बाहर हुआ भारत। टी20 वर्ल्ड कप के अपने आखिरी सुपर 12 मैच में न्यूजीलैंड ने अफगानिस्तान को 8 विकेट से मात दी है। इस हार का जितना असर अफगानिस्तान पर पड़ा है उससे ज्यादा भारत पर भी पड़ा है। भारत इस हार के साथ ही टी20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। सेमीफाइनल में अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पाकिस्तान पहुंच गए हैं। इस हार के साथ ही टीम इंडिया का इस साल वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट गया है। भारत तभी सेमीफाइनल में पहुंच सकता था जब अफगानिस्तान बीते दिन खेले गए मैच में न्यूजीलैंड को हरा देता, लेकिन अब यह संभव नहीं हो सका। इसके साथ ही ग्रुप बी से पहले ही पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड के 8 अंक हो गए हैं और अब वो भी अंतिम 4 में पहुंच गए। भारत का अगला मुकाबला नामीबिया के साथ है। हवाई जाते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 7 नवंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 45,920 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,160 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 64,400 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल 91.09 रुपए प्रति लीटर था। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है मनीष मोहरा, बबीता यादव, खान सर यूपीएससी, रघुनाथ प्रसाद, सबीर कुमार, अरविंद कुमार, गौतम कुमार, अखिलेश यादव, ऋषभ कुमार, विश्वनाथ गुप्ता, कन्हैया कुमार, सोनी मृत्युंजय कुमार, नंदन कुमार, अपिन यादव। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारत के वर्ल्ड कप से बाहर होने के पीछे सबसे अहम कारण क्या रहा। अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।